साथ आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व सांसद संदीप हैं। अभी खबर आई है कि इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। संदीप, क्या आरोप है आपका? देखिए, आरोप ये है कि हम इनकी गलती के खिलाफ बोलते हैं, और ये अच्छा हुआ ऐसे ही पार्टी से हमें रहना भी नहीं था। ठीक है, अपने भाड़ में जाइए केजरीवाल। और इसने, इसको डर ये लग गया, मैंने बता दिया था कि 22 तारीख को मैं हाउस नहीं चलने देता। जो रविदास मंदिर इन लोगों ने तोड़ा है ना, उस रविदास मंदिर की आवाज वहां दिल्ली विधानसभा में गूंजती तो पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों ये समझ लो कि केजरीवाल सबसे आरामखोर आदमी है राजनीति में, और इतना घटिया आदमी शायद ही कोई राजनीति में आया होगा। इसने, इन्होंने सोचा कि अगला कदम क्या होगा। अगला कदम इनकी विधानसभाओं को घेरेंगे। अगर ये डिसीजन हमारे फेवर में नहीं आया ये मंदिर का, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता, डिस्क्वालीफाई किया, गोली मार दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन केजरीवाल जब डरता है ना तो डिस्क्वालीफाई करता है। आप किस पार्टी में जाएंगे? या पार्टी तो हमारी बसपा ही थी, बसपा ही रहेगी हमेशा। बहन जी हमारी नेता है। क्या लगता है संदीप, आपने, आप बहुजन समाज की आवाज उठा रहे थे, इसकी सजा मिली है? देखिए, मैंने ऐलान कर दिया था कि 22 तारीख से जो हाउस है उसको चलने नहीं दूंगा। तो केजरीवाल ये डरता है कि समाज की आवाज, एक बुलंद आवाज अगर विधानसभा में गूंजेगी तो पूरी दुनिया में वो जाती है। तो ये केजरीवाल का डर है, और हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस्तीफा देकर आया था बहुत पहले, इन्होंने ड्रामा करने की जरूरत ही नहीं थी। अरे हम बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, वंशज हैं, जिन्होंने इस देश के लॉ मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया था। बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, हमें फर्क नहीं पड़ता केजरीवाल साहब। लेकिन 2020 में ये सोच के आना दलितों के बीच में, तेरे साथ 2020 खेलेंगे और दिखाएंगे केजरीवाल का एक भी कुत्ता दिल्ली की विधानसभा में नहीं जाएगा। ये आप सबके लिए मैं माफी चाहता हूँ, मेरे चैनल पर मैं इसको बीप कर दूंगा। संदीप, एक आखिरी सवाल, जाति की वजह से भी लगा कि आपको टारगेट किया गया है, ये दलित इनके लिए यूजन थ्रो है? देखिए, ये दलित तो कातिया के कुत्ते बैठे हैं पार्टियों में, जितने भी पार्टी है ना वो कातिया के कुत्ते हैं। जैसे मर्सिडीज में नहा धोवा के शैम्पू में बिठा के गाड़ी में बिठा लेती ना बड़े बड़े लोगों की महिलाएं, गोद में कुत्ते को ले लेती हैं, और मालिक कब रोड पे छोड़ देगा, कब दूसरी गाड़ी कुचल जाएगी पता नहीं चलेगा। ये जितने भी दलित बैठे हैं, सांसद हो चाहे विधायक हो, इनकी वजह से ही बेड़ा गर्क हो रहा समाज का। अगर ये लोग अपनी आवाज संसद में बोलने लगे, विधानसभा में बोलने लगे, तो इनकी औकात है मनुवादियों की। तब आरएसएस के प्रमुख से आप बहस करेंगे आरक्षण पर? बिल्कुल, बिठाइए आप अपने चैनल पर बिठाओ, मैं मनुवादियों की मीडिया पे जाऊंगा नहीं, क्योंकि वो लोग रिकॉर्ड तो करते हैं, चलाते नहीं है। शंभू भाई के चैनल पर आए, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कोई भी आ जाए, हम लोग बताते हैं कि बहस क्या। तो इस समय की बड़ी खबर बता रहा हूँ, संदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के विधायक थे उनको बर्खास्त कर दिया है पार्टी ने। और सोचिए कि इस देश में दलित समाज होने से कितना नुकसान होता है, इस देश में कैसे कैसे स्कैंडल के वीडियो आते रहे हैं, और संदीप को पहले मंत्री पद से हटाया गया। दरअसल मैं इंटरनली जानता हूँ, लगातार अगर आप किसी भी पार्टी में बहुजन समाज की आवाज़ उठाएंगे तो आपको बेटिकट किया जाएगा या पार्टी से निकाला जाएगा। उदित राज भी इसके उदाहरण है, और तमाम बहुजन समाज के जगजीवन बाबू के साथ भी ये हुआ था जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट थे। तो किसी भी पार्टी में हो, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, उनको टेकन टू बी ग्रांटेड लिया जाता है। शुक्रिया संदीप हमसे बात करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।